हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज जो मैं लेक्चर आपके लिए लेके आई हूँ वो है बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से, जो कि क्लास 11th का काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और साथ ही साथ क्लास 12th केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल, तो ऑब्वियसली दोनों में ही हेल्प मिलेगी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो हम NCERT के अकॉर्डिंग इसको कवर अप करेंगे। सो आज हम इसका एक बेसिक टॉपिक, एक सिंगल टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ प्रोटीन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो बायोमॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो हैं बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है ये हमारी लाइफ का। हमारी डाइट में हम इनको लेते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है ये हमारी लाइफ को, ताकि कंटिन्यू रहे हमारी लाइफ, हम जी सकें, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं ये सारे ही बायोमॉलिक्यूल्स एक बैलेंस्ड फॉर्म में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग प्रोटीन। तो प्रोटीन होता क्या है, ये भी एक तरह का बायोमॉलिक्यूल है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो जनरली जो प्रोटीन होते हैं ये मिलके बनते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड्स से। बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर के बनाते हैं प्रोटीन। अब जैसे कि हम अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, तो देखिए अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो किस तरह से ये अमीनो एसिड बनाते हैं। देखिए ये एक अमीनो एसिड है, ये जुड़ेगा दूसरे अमीनो एसिड से, इस तरह से तीसरे अमीनो एसिड से, ऐसे ही बहुत लंबी चेन जो है बनती चली जाती है और इसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये है लीनियर प्रोटीन। लीनियर प्रोटीन यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन का, ठीक है। और इसमें जो आपको दिख रहे हैं ये सारे ही क्या हैं, ये अमीनो एसिड हैं। आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये अमीनो एसिड आपस में जुड़े हैं, तो ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं तो पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, अंडरस्टूड। तो होता क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर यहाँ से रिमूव होता है, हेंस पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसे हम लीनियर प्रोटीन या फिर हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड क्योंकि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड इसमें बनते हैं, तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड की एक चेन बन रही है, तो इसीलिए हम इसको पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। तो अब देखिए एक अमीनो एसिड क्या होता है, अब हम अमीनो एसिड को समझते हैं कि अमीनो एसिड कैसा होता है। अमीनो एसिड का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड में इस तरह से कार्बन होता है, इधर जो है कार्बोक्सी ग्रुप होता है और इस साइड जो होता है अमीनो ग्रुप होता है, और इधर आपको H ग्रुप मिलेगा और एक साइड आपको R। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये अमीनो एसिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। डिफरेंट अमीनो एसिड डिपेंड करते हैं इस R ग्रुप पे कि ये R ग्रुप कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे H है, CH3 है, CH2CH3 है, या अदर बहुत सारे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं अमीनो एसिड का। अब यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन होता है ये होता है अल्फा कार्बन, जिससे एक तरफ वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है जिससे अमीनो एसिड में, जिससे एक तरफ COH जुड़ा हो, एक तरफ जो है अमीनो ग्रुप जुड़ा हो, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी ग्रुप, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, तो कार्बोक्सी ग्रुप, ठीक है, इसे हम बोलते हैं अमीनो ग्रुप। और ये R ग्रुप हो गया, तो वो कार्बन जिसमें एक साइड कार्बोक्सी ग्रुप हो, एक साइड अमीनो ग्रुप हो, एक साइड H ग्रुप हो और एक साइड R ग्रुप हो, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं
अल्फा कार्बन, ठीक है, अंडरस्टूड। इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो ये एक बैकबोन है अमीनो एसिड की। तो इसमें जो आर ग्रुप होता है ये डिफरेंट अमीनो एसिड डिसाइड करता है यहाँ पे कौन सा आर ग्रुप होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल एक देती हूँ, सबसे सिंपल अमीनो एसिड जो है वो है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ पे C होगा, COOH, यहाँ NH2, यहाँ H और नीचे भी H। तो ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइसिन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसी बैकबोन के हिसाब से है जो मैंने आपको बताया था, इधर COH ग्रुप, इधर NH2 ग्रुप, H, और इधर डिसाइड करेगा कि ये कौन सा है, यहाँ पे ग्लाइसिन है। ऐसे ही मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ आर ग्रुप कैसे, आर ग्रुप के हिसाब से चेंज होता है नेम डिफरेंट अमीनो एसिड का। एलानिन मैं आपको अगर बताऊँ, एलानिन, तो डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं हमारे पास, केमिस्ट्री में आप और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, डिफरेंट नेम होते हैं अमीनो एसिड के। मैं एक आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं सारे अमीनो एसिड जो है आपको उनके नेम बताऊँगी, उनके 3-letter code, प्लस उनको याद कैसे करना है उसके लिए भी एक ईजी ट्रिक बताऊँगी। तो आज के सेशन में लेकिन हम समझते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम एलनिन की बात करें तो एलनिन का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर COOH, ठीक है, और NH2, यहाँ हाइड्रोजन होगा और नीचे की साइड हो जाता है CH3। तो अब आप देख रहे हैं ग्लाइसिन और एलनिन, अगर आप दोनों को स्ट्रक्चर को देखें तो ग्लाइसिन में जो है आपको दिख रहा है आर ग्रुप वाले साइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है जबकि यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है। सो हेंस आप देखोगे कि जो बैकबोन है NH2CCOH ये सेम है दोनों में, तो ये सेम रहने वाला है, सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड। तो ये हो गया ग्लाइसिन, ये हो गया एलेनिन। तो इसी तरह से सारे अमीनो एसिड के हम स्ट्रक्चर देखेंगे ताकि केमिस्ट्री में भी आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। अब देखिए अगर कोई आपको पूछे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, कि जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक अमीनो एसिड है, एक प्रोटीन है 22 अमीनो एसिड का, इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। आपको बोला है कि एक प्रोटीन है, लीनियर प्रोटीन है, ठीक है। देखिए अगर प्रोटीन लीनियर है इस तरह से, ये लीनियर प्रोटीन है, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसे हम प्रोटीन का। तो इसकी बात कर रहा है, अगर इसमें आपको अगर पूछ रहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड वो होता है इज इक्वल टू n-1, ठीक है। अब इसमें n क्या है, जो ये n है ये n है नंबर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अब अमीनो एसिड कितने हैं, 22 minus 1 यानी कितने पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे, 21। ये किसके लिए है, ये है लीनियर के लिए। लेकिन अगर बात करें सर्कुलर अमीनो एसिड की, सर्कुलर प्रोटीन की सॉरी, तो सर्कुलर प्रोटीन इस तरह से, तो सर्कुलर की अगर बात करें सर्कुलर प्रोटीन की, सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर प्रोटीन जो होगा इसका नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होगा इज इक्वल्स टू वन सॉरी एन, यानी जितने अमीनो एसिड उतने ही पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया हो आपको, इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया हो कि क्या प्रोटीन किन से मिलके बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, लीनियर प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होते हैं, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कैसे निकालते हैं लीनियर एंड सर्कुलर में, और अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की तरफ, प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं उनकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि
प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो हमने लीनियर प्रोटीन पढ़ा वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही आता है, सबसे सिंपल, ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम इसमें पढ़ेंगे अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट। फिर होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। और लास्ट है हमारा क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो है स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, ठीक है। क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड फोर्थ वन इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर प्रोटीन आ जाते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इस तरह से लीनियर फॉर्म में होंगे, इस तरह से जुड़े हुए होंगे, ठीक है, जिसमें कि बीच में ये जो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो हैंस यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है? पेप्टाइड बॉन्ड। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में टू टाइप्स आ जाते हैं इसमें। एक आता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा आता है बीटा शीट। अगर हम बात करें अल्फा हेलिक्स की, तो जो अल्फा हेलिक्स होता है ये थोड़ा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड तो ऑब्वियसली होगा, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से ही जुड़ता है, लेकिन कॉइल फॉर्म में आता है, हैंस इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाते हैं। बीटा शीट की अगर हम बात करें तो बीटा शीट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है, तो अगर आप ये मिड वाला पोर्शन देखें तो ये शीट जैसे लग रहा है, इस तरह से अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे भी यहाँ पे आपको अगेन इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हुए दिखेंगे। तो इनमें दोनों में ही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, लेकिन स्ट्रक्चर में अंतर आ जाता है। अल्फा हेलिक्स क्वाइल्ड होता है जबकि बीटा शीट क्वाइल्ड नहीं होता है, और इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। पॉलीपेप्टाइड चेन मैंने आपको बताया था कि जब अमीनो एसिड बहुत सारे आपस में ये जुड़ के प्रोटीन बना रहे हैं, इसी को हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन तो ये वाली हो गई, ठीक है, ये वाली, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ये हो गई। तो ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में क्या है, मिल करके बीटा शीट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, टू पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल भी हो सकती है, ठीक है, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। आई बात समझ में। अगर हम अब बात करें टर्शियरी स्ट्रक्चर की, तो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसे देखने को मिलता है। इस तरह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है और यहाँ पे कई सारे बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता ही है, पेप्टाइड बॉन्ड तो ऑब्वियसली होगा ही, हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही है, प्लस इसमें कुछ आयनिक बॉन्ड्स आ जाते हैं, आयनिक बॉन्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, प्लस इसमें जो है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड आ जाते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ठीक है, साथ ही साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आ जाता है। ये डाइसल्फाइड हम ब्रिज भी बोलते हैं, डाइसल्फाइड, ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड जो बोल सकते हैं आप दोनों में से। तो ये सारी चीजें जो है आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? जब इनके बीच में भी बॉन्ड बने होंगे बहुत सारे, तभी तो इतना क्लोज हुआ है, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं हम, हो गया।
तो ये होता है टर्सरी स्ट्रक्चर। अब बात करें क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की, तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्वार्टरनरी मतलब फोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस तरह ये आपको टर्सरी दिख रहे ना, इस तरह के फोर स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे इस तरह से, इस तरह के स्ट्रक्चर आपस में क्या हो जाएंगे, ये एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो टर्सरी स्ट्रक्चर हम देख रहे थे उस तरह के हमें फोर स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये सारे बॉन्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, कुछ अमीनो एसिड होते हैं जिनमें सल्फर होता है, तो वो सल्फर आपस में इस तरह से आपस में क्या होता है, इस तरह से बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे सल्फर है, एक यहाँ पे सल्फर है, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे जब क्लोज आएंगे, कॉम्पैक्ट होंगे तो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है हमारा हीमोग्लोबिन। इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में दो अल्फा स्ट्रक्चर होते हैं, दो अल्फा होते हैं और दो बीटा होते हैं। तो इस तरह से दो अल्फा सब यूनिट, दो बीटा सब यूनिट जुड़ती हैं और हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे ही प्रोटीन, चाहे हम प्राइमरी बोलें, सेकेंडरी बोलें, टर्सरी बोलें या क्वार्टरनरी बोलें, ये सारे ही प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर हम बात करें टर्सरी क्वार्टरनरी की, तो ये तो क्या होते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और ऑब्वियसली फंक्शनिंग में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये था आज का सेशन जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, कैसे बनते हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रोटीन का बताया, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट सेशन में मैं अमीनो एसिड के बारे में लेकर के आऊँगी कि जो अमीनो एसिड होते हैं कितने होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है और उनका फर्स्ट लेटर कोड क्या होता है, थ्री लेटर कोड क्या होता है और कैसे उनको आसानी से आप याद करें, ये सब मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड ऑफ कोर्स शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिसको भी नीड हो, जिसको भी टॉपिक समझना हो, वो आसानी से यहाँ से समझ सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।